ओम शांति। आज 8 जून 2020 की साकार मुरली है। बाबा ने आज समझाया, मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने समझाया, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। पहली निशानी है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी यह देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। तो उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोह होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब तो हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, तो जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। उसमें शब्द आते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे जप तप दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि से प्राप्त नहीं कर सकते, स्वयं से मिलने की विधि में स्वयं ही राजयोग सिखाता हूँ। तो एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है, यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते। एक समय आता है जब सब कुछ मिट जाता है, 1000-1200 वर्ष के बाद बहुत कुछ उथल पाथल धरती पर होती है और खत्म हो जाता है, तो कोई परंपरा से नहीं चले आते। जब जो धर्म स्थापक आएगा उसके पीछे धर्म स्थापन होता है, तो बाद में शास्त्र बनते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय भी कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए, तब तो नए धर्म वाले आए हैं, अभी तो स्थापना होगी उसकी। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं, इनका ब्राह्मण धर्म का भले शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं, अंत में होगा महाविनाश। तो और जब धर्म वाले आए उसके बाद विनाश नहीं होता है कि वो वापस चले जाएं। तो बाबा ने कहा, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं, पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। तो गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। बाबा कहते गीता जयंती मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा तो बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता।
अभी ये है पुराना बेहद का बाप बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते, अगर शिव बाबा आकर शास्त्र ही सुनाए फिर उनके आने का फायदा ही क्या। अगर वो तो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे शास्त्र आदि, तो बाबा ने कहा कि यह कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार तुमको समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है, यह पढ़ाई तो बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानुवाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं, यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, ब्रह्मा बाप का मुख भगवान ने किराए पर लिया है ज्ञान सुनाने के लिए, जिसको गौमुख भी कहते हैं, बड़ी माता है ना ये, बड़ी माँ भी कहते हैं ब्रह्मा, और गौमुख भी कहते हैं, किराए पर लिया हुआ मुख है। तो इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि कोई जल आदि निकलता है। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। आबू में भी, माउंट आबू में भी है गौमुख, तो वहां दूर दूर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम सबको यह बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आ करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे। अगर गुस्सा आया, स्थिति खराब हुई, तो बाप को चिट्ठी लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, अपने चार्ट में लिखेंगे हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया, हमने क्रोध कर लिया अर्थात विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, कनेक्शन है तभी तो बाबा को ही बताएंगे ना, और बाबा को बताने से वो प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाती है। बाबा क्षमा करना, फिर बाबा से क्षमा भी मांगते हैं, और फिर बाबा क्या कहते हैं, तरस तो बाबा को बहुत आता है लेकिन क्षमा नहीं होती। जो एक बार हो गया वो अनडू नहीं होता है, उसका तो रिजल्ट आएगा ही। बहुत पश्चाताप करके माफी मांगे तो भी बाबा ने कहा 50%, आधा माफ होता है। तो फिर कहते हैं बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर क्रोध किया, जिसके साथ क्रोध का व्यवहार किया, उसके साथ हिसाब किताब बन गया ना, अब उस आत्मा के साथ वो हिसाब किताब चुपतू करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो पक्का उस पर रिजल्ट रजिस्टर में लिखा गया। तो बाकी क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना,
टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं कि तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया, दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, रोज देखो ये चार्ट चेक करो, दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है, जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है, जब आत्मा समझेंगे तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं, तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई, इसी क्योंकि इसी दुनिया में भक्ति कर रही थी, याद कर रही थी, तो पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई ना। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जैसे मीरा को आ गया था, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, वापस जाना है, इसलिए एक्चुअल वैराग्य आता है तुमको, दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है, तो यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर वार है, जिनकी बुद्धि में यह रहता है, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है कि अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है, इनको कहा ही जाता है रौरव नरक, इस दुनिया को कहा जाता है रौरव नरक, बहुत गंध है यहाँ, इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वह हो जाती है शारीरिक बात, मतलब स्थूल रूप से चले जाते हैं, तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, ये बाबा बार बार याद कराते हैं ताकि इस दुनिया में लटके ना रहो, यहाँ से वैराग आए तो तुमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है, तो यह पुरानी ची ची दुनिया खत्म हुई पड़ी है, मकान पुराना होता है नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना कि यह मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं, अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है, जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बाप भी कहते हैं कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, उसके बाद एक ही काम रह जाता है, याद नहीं करेंगे विकर्म विनाश नहीं होंगे तो रिजल्ट क्या है, बहुत सजाएं खाएंगे, और बाबा नहीं चाहते मेरे बच्चे सजाएं खाकर साफ हों, पवित्र बने,
और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजा खाने के बाद पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तभी विकर्म विनाश होंगे, बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं कि यह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है, तो इनको भी छोड़ना है। अपनी देह से भी मोह टूटना, सबसे बड़ा तो नष्टो मोह यही है ना, नष्टो मोह स्थिति माना, अपनी देह से भी मोह नहीं, पता है इसको छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है, यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है, बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में आंख नहीं डूबती है, बार बार यही बात याद करा रहे हैं बाबा, किसी में आंख नहीं डूबनी चाहिए, कहीं लगाव नहीं होना चाहिए, पूरा नष्टो मोह होना है, बेहद का वैरागी बनना है। कितनी बार बाबा ने मुरली में ये कहा, वापस घर जाना है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है, अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े जानते हो, सबको तो जानते भी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ भी वृद्धि को पाता रहता है, ये भी बढ़ेगा। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है, बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। जहां जाना है बाबा ने उसके साक्षात्कार कराए, तुम जानते हो हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, और वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है, राजयोग बाप ने ही सिखलाया था, तो उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी, तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है, यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र तो दे ना सके। बाप ने शाम और सुंदर का भी राज समझाया है, तुम भी समझते हो कि अभी हम सुंदर बन रहे हैं, तुम ये समझ गए हो शाम सुंदर, हम अभी कलयुग तक शाम थे और अभी हम सुंदर बन रहे हैं।
पहले श्याम थे, कृष्ण कोई अकेला थोड़ी श्याम होगा फिर सुंदर बनेगा, हम सारे उसकी राजधानी में थे, हम सारे उसके साथी थे, तो कृष्ण कोई अकेला थोड़े ही था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो, इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे तो इतने ढेर आते हैं इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है, हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, कहते सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वो स्वर्ग में है और जो दुखी है वह नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है, बच्चों आदि में मोह की रग है वह टूटती नहीं है। ये बड़ा भयंकर बात है, मोह ही नहीं खत्म होता तो कैसे ठीक होगा। बच्चों आदि में मोह की रग है वह टूटती नहीं, मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, बाबा से पूछते हैं, मोह है ना वो खत्म नहीं हो रहा है। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हो, खुद तो स्वर्ग में जाना चाहते हो, बच्चों को नरक में ढकेलना चाहते हो, है ना। ये लॉ है, नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो कि उनको नरक में डाले। पूछते हैं तो बाबा कहेंगे हाँ जाकर करो, क्योंकि ज्ञान तो समझ में आया हुआ है कि सबको पावन बनाना है, ये सेवा है, बाबा ने कहा है तो सबको पावन बनाना है। तो फिर एक तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले, विकारी बनाए, पूछते हो तो बाबा क्या कहेंगे, हाँ जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं, समझते हैं कि इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी ये अवज्ञा तो कर देंगे, क्योंकि ये करेंगे तो सही, तो बाबा ना कह देगा तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती, बच्ची ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी करानी पड़े, बच्चे की कराने से बाबा ने मना किया, तो बच्चों की नहीं करा सकते, बच्ची की तो करानी ही पड़े, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती, बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत भी तो चाहिए ना, ऐसा करने की हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे ये एक्ट कराया था, शिव बाबा ने ब्रह्मा से करवा के दिखाया ये, है ना, इनसे एक्ट कराया था, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े, घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं, ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन और यह है जंगल, बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भले हाँ हाँ करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं, मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भले है, सूरत भले मनुष्य की है, परंतु सीरत तो बंदर से भी बदतर है, कर्म बंदरों जैसे हैं, परंतु अपने को ऐसा समझते ही नहीं है।
तो बाप कहते अपनी रचना को समझाना है, समझाओ अपने बच्चों को भी। अगर नहीं समझते, नहीं ज्ञान में चलते, तो फिर भगा देना चाहिए। यानी उनकी शादी कराएं, इतना खर्चा करें उस पर, आपका पवित्र धन और नरक में ढकेलने के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर भगा देना चाहिए। परंतु यह ताकत चाहिए, ये वही कर पाएंगे जो नष्टो मोहा होंगे। परंतु यह ताकत चाहिए ना, मोहो का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहां तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, भारत देश को पूरा स्वर्ग बनाया। भगवान ने भारत को, मीन्स भारतवासियों को, स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। इस सारे को स्वर्ग बनाने का प्रोसेस कब सफल होगा? जब सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान दिया बाबा ने, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ, बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन है सहयोग की शक्ति, स्लोगन है सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, और यही सेफ्टी का किला है।
सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है और यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति।